सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह रुक करती हूं कुछ खास खबरों पर। खबर सूरत से है, जहां अपराधी अभियुक्त के खिलाफ पासा अर्जी करने की सूचना दी गई। बता दें कि सूचना और मार्गदर्शन के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर, सेकंड पुलिस इंस्पेक्टर, सर्विलांस असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल ने ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ पासा की अर्जी तैयार की है, जिसमें सुरेश कन्हैयालाल शर्मा को मध्यस्थ जेल अहमदाबाद भेजने का प्रशासनीय कार्य संभव हुआ है। अगली खबर हरदोई से है, जहां कछौना क्षेत्र में फीस न दे पाने पर एक स्कूल संचालक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और वो बीमार हो गया। पिटाई की घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र और उसके पिता ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अब तक कछौना कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। लाला विभूति प्रसाद जूनियर हाई स्कूल में हुई इस घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 2 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशानुसार तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं समितियों को शासन से धान परिवहन का अनुबंध न होना चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि शासन धान उपार्जन नीति के अनुसार इस बार नागरिक आपूर्ति निगम से 185 केंद्रों से धान खरीद की जानी है। किसानों को समय पर भुगतान, धान का समय पर परिवहन, किसानों के लिए केंद्र और व्यवस्था और केंद्र के प्रबंधन के संबंध में मुख्य रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वहीं समिति प्रबंधकों ने धान परिवहन को लेकर चिंता व्यक्त की है। समिति के जिला अध्यक्ष ने चर्चा करके बताया है कि इस बार नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार धान का उपार्जन कार्य किया जाएगा। सर, मैं पीसी चौहान, जिला अध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट से। हाँ, ये आज एक गवर्नमेंट का प्लान के तहत आगामी 2 दिसंबर से उपार्जन का कार्य शुरू करना है, इसलिए जिला मैनेजमेंट ने उपार्जन कैसा हो इसलिए एक ट्रेनिंग स्वरूप यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। और जिले में 187 सेंटर हैं, जिसमें 187 उपार्जन प्रभारी और 187 नोडल अधिकारी। बड़ा खेद का विषय है, मैंने पिछली बार भी इस बात के लिए बोला था, खेद है इस बात का कि जब इनको अनुभव नहीं है कि हमारे कर्मचारी इतने हो सकते हैं और हमारे पास सीटिंग व्यवस्था कितनी है। जो सुबेरे से निकला है, 11 बजे का इनने अल्टीमेटम दे दिया था, 11 बजे का टाइम दिया था, और 11 बजे सारे कर्मचारी जब उपस्थित हो गए तो वहां बैठने की अव्यवस्था हो। पिछले बार भी याद दिलाया था कि ये वाली अव्यवस्था आगामी समय में ना हो। एक दिन में ना हो तो दूसरे दिन में मीटिंग ले लेते, दूसरे दिन प्रशिक्षण करा देते, बहुत बड़ी बात नहीं थी। या तो फिर 2 पाली में कुछ ब्रांचेस को हटा करके दूसरी ब्रांचेस को लगा देते, तो ये थोड़ा सा तकलीफ का विषय है। आज किस तरीके से गाइडलाइन दिया गया है आपको? आज गाइडलाइन तो हम विगत कई वर्षों से सुनते आए हैं, करते आए हैं श्रीमान। गाइडलाइन कोई नई नहीं है, कोई किसी की बोलनी, किसी की लेखनी कुछ अलग होती है, और ये सब कागजों में ये कार्रवाई होती है। सारी गुणवत्ता के ऊपर फोकस डाला गया, ऐसी गुणवत्ता की लेना है, इस मापदंड में लेना है, इतना बदरा रहेगा। ये तो सब वो पेपर में रहता है और वो एक फ्लैक्स भी लगा होता है, ये लगभग सारे लोग देखते हैं तो पढ़ लेते हैं। ये बड़ा ट्रेनिंग का इशू। अभी जो शासन के निर्देशानुसार धान की खरीदी होनी है किसानों से, उसके लिए आज सभी खरीदी प्रभारियों की और नोडल अधिकारियों की ट्रेनिंग रखी गई थी। उसमें धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी करने के कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं, किसानों को कोई अव्यवस्था ना हो,
किसान सही समय पर अपनी तोल कर सके और उसको समय से भुगतान हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। सर, इस बार विपणन को छोड़ करके अभी नगर आपको दिया गया है, अभी सर्व सर्व आप है, तो अभी जैसे 72 घंटे का जो अभी नियमावली था पिछले साल, इस साल 15 दिन का भी सुनने में आया है, कुछ लोग कह रहे हैं उसमें बहुत भारी परेशानी जाएगी प्रभारी परिवहन के लिए। देखिए, वर्तमान में शासन ने परिवहन की अनुमति नहीं दी है धान जिले में, जो मिलर्स हैं वही सारी धान उठाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल से परिवहन की अनुमति आ जाए। दूसरे एक अल्टरनेट के रूप में हम लोगों ने मिलर्स की मैपिंग कर दी है सभी केंद्रों से, तो जैसे ही किसानों की धान उपार्जन केंद्रों पे आएगी वहां से मिलर्स उस धान को उठा के लेंगे और उसी के माध्यम से कृषकों का भुगतान। पर सर, देखा गया पिछले साल भी मिलर्स को डायरेक्ट उठाने का भी आदेश दिया गया था, लेकिन मिलर्स के इतना जगह नहीं होने के कारण वहां पर भी परिवहन का उठाव नहीं हो पाया था पिछले साल। हाँ, पिछली बार मिलर्स ने कम धान उठाया था, पर अब की बार शासन ने उनको कुछ रियायतें दी हैं, कुछ कम राशि में वो ज्यादा धान उठा पाएंगे। साथ ही छिंदवाड़ा के मिलर्स, गोंदिया के मिलर्स, हम उनसे भी बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिले का धान समय से उठ सके। सर, जैसे कि अभी देखा गया 15 दिन का भी प्रभारी ने कहा है 15 दिन के अंदर में उठाव होगा, लेकिन इसमें मॉइस्चर की बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसमें फिर वजन घटेगा, फिर उनके ऊपर रिपोर्ट निकल जाती है, शॉर्टेज की समस्या नहीं सभी को। देखिए, जो शासन का नियम है 17% मॉइस्चर पे धान लेने का है, यदि आप 17% की नमी पे धान लेंगे तो शॉर्टेज की समस्या नहीं आएगी। अभी शुरुआती दिनों में जो खेतों से धान आ रही है उसमें 20-22% तक का मॉइस्चर है, तो हमने खरीदी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि धान को अच्छी तरह सुखा लें, चाहे तो किसान कृषक को बताएं कि आप उसको घर में अच्छे से सुखा के साफ करके लाएं। यदि मानक गुणवत्ता की धान है तो मॉइस्चर की समस्या नहीं है, यदि सीधा किसान खेत से ला रहा है अमानक या नमी युक्त धान को, तब मॉइस्चर की समस्या है। सर, मैं पीसी चौहान। अगली खबर बहराइच से है, जहां कैसरगंज पुलिस क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ कस्बा कैसरगंज का फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों को पूरी सुरक्षा का एहसास भी दिलाया गया है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से पूरे कस्बे की निगरानी की जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पूरे कस्बे की ड्रोन कैमरे के जरिए से निगरानी की जा रही है, अगर किसी ने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी दंगाइयों पर पैनी नजर बनाए हुए है। जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है, आपके द्वारा क्या कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिसको देखते हुए व्यापक स्तर पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। कल सभी अधिकारियों के साथ, सभी थाना प्रभारियों के साथ एक गोष्ठी भी की गई थी, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। आज सुबह भोर से ही हमारी पोस्टर पार्टी सभी धर्मस्थलों पर जाकर चेकिंग किए हैं कि किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट या वस्तु कहीं ना पाई जाए, और ड्रोन से निगरानी सुबह 9 बजे से सभी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में, खासकर छतों पर चल रही है। धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित किया गया है कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक तकरीरें कहीं पे भी ना दी जाएं, और पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है। सभी अपने राइट कंट्रोल गैर के साथ सभी जगह तैनात किए गए हैं। कार्यालयों से भी आज फोर्स सारी फील्ड में तैनात की गई है, ताकि जो नमाज काज कार्यक्रम है जुम्मे पे सकुशल संपन्न किया जा सके। अगली खबर मथुरा से है, जहां जानकारी के अनुसार दोनों युवक में रुपए का लेन देन चल रहा था, जिसमें लखू नामक युवक ने लखन को रुपए लेने के लिए बुलाया। गायत्री विहार चौराहे पर रुपए लेने के इंतजार में खड़े लखन को राम बिहारी नामक युवक ने आते ही गोली मार दी और गोली मार कर वहां से भाग गया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल को निजी हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।